बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जो है ना खैरियत से होंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि हम जो है ना प्रोफेसर को जो है ना ईमेल किस तरह कर सकते हैं, तो वो जो है ना आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि हमने जो है ना ईमेल एक्सेप्टेंस लेटर के जो है प्रोफेसर को ईमेल सेंड करनी है तो वो किस तरह कर सकते हैं। मैं आप लोगों को जो है ना सारी ईमेल के बॉडी भी और डॉक्यूमेंट जो है ना अटैच करने हैं वो भी दिखाऊंगा कि और उसके बाद जो है किस तरह सेंड करना है। ये सारी चीज़ें जो है मैं आज लोगों आप लोगों को जो है ना इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों को समझ ना आए या आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग जो है ना मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जिस दोस्त ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि CSE स्कॉलरशिप के ऊपर जितनी भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा वो जो है ना आप लोगों को पहले मिलती रहे। तो आज पहले जो है ना एक दोस्त ने जो है ना क्वेश्चन किया था कि हम जो है ना CSE स्कॉलरशिप के जो लॉगिन बनाएंगे तो क्या एक ही जीमेल या एक ही याहू आईडी के ऊपर जो है ना याहू मेल का जो होती है ना तो उसके ऊपर एक लॉगिन के साथ तीनों यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे या एक ईमेल के ऊपर एक यूनिवर्सिटी में जो है ना एक अकाउंट बना सकते हैं। तो आप लोग जो है ना एक यूनिवर्सिटी के लिए मतलब CSE स्कॉलरशिप का एक अकाउंट सिर्फ एक ईमेल के ऊपर बना सकते हैं। तीन यूनिवर्सिटी में जो है ना हमने अप्लाई करना है तो उसके लिए जो है हमें तीन अलग अलग जो है ना अकाउंट बनाने पड़ेंगे। तो आप लोगों जो है ना कोशिश करनी है या वो मेल के ऊपर जो है ना आप लोगों ने अकाउंट बनाना है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि चाइना में जो है ना ज़्यादातर गूगल की जो है ना सर्विसेज यूज़ नहीं होती हैं, तो इसलिए वहाँ पर जो है ना जीमेल का इस्तेमाल कम होता है। तो आप लोगों ने जो है ना कोशिश करनी है। एक्सेप्टेंस लेटर के लिए भी जो है ना आप कोशिश करें जो याहू मेल की जो है ना आईडी बना ले उसके थ्रू जो है ना आप लोगों ने जो है ना एक्सेप्टेंस लेटर के लिए प्रोफेसर को ईमेल करनी है, क्योंकि काफ़ी प्रोफेसर जो है ना ईमेल नहीं ओपन करते हैं तो जिस वजह से हमें जो है ना रिप्लाई मुश्किल से मिलता है या एक्सेप्टेंस के लिए भी मतलब हमें काफ़ी परेशानी होती है। तो ये मेरी पर्सनली राय है कि आप जो है ना याहू मेल की जो है ना आईडी बना ले ताकि आप लोगों को जो है ना अगर कोई भी मसला जीमेल की वजह से हमें आता है या नहीं आता तो उससे जो है ना हमें बिल्कुल भी ना आए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो है ना ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब हम जो है ना देखने वाले हैं कि हम के कौन कौन सी चीज़ें हैं जो है ना ईमेल में किस तरह से जो है ना हमने लिखनी है और क्या क्या चीज़ें जो है ना हमने लिखनी है। अब मैं आप लोगों के साथ साइड पर इसको जो है ना शेयर भी कर दूँगा और डिटेल के साथ आप लोगों को जो है ना डिस्क्रिप्शन में मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में जो है ना इसको ऐड कर दूँ ईमेल की बॉडी को। जिन जिन दोस्तों को चाहिए होगी तो वो आप लोग जो है ना लिख सकते हैं इसको। तो उसके लिए जो है ना आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने जो है ना आप अपने लैपटॉप से करेंगे या जो है ना आप अपने मोबाइल से करेंगे जो भी है आप लोगों के लिए ज़्यादातर बेहतर होगा कि आप लोग जो है ना लैपटॉप से ही करें, क्योंकि उसके ऊपर जो आप लोगों ने मैंने आप लोगों को बताया था ना कि आप लोगों ने जो है प्रोफेसर की जहाँ से ईमेल आईडी निकाली थी वहाँ उसकी जो है ना प्रोफाइल की जो कॉपी लिंक थी वो भी आप लोगों ने कॉपी कर लेनी है। शायद अगर जिन दोस्तों ने नहीं किया तो वो जो है ना आप लोग अभी कर सकते हैं उसको, ठीक है। अब आप लोग जो है ना इसको देख सकते हैं कि हमने जो है ना फर्स्ट के ऊपर हमारी जो है अपनी ईमेल आ जाएगी, उसके बाद टू के ऊपर जो है ना आपने जो प्रोफेसर की जो है ना ईमेल निकाली होगी आपने वो लिख देनी है। मैंने यहाँ पे जो है ना ETC लिख दिया है। उसके बाद नीचे शो हो रहा है ऑप्शन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में जो है ना आपने लोगों ने क्या लिखना है, आप लोगों ने इसमें जो है लिखना है प्रोविजनल एक्सेप्टेंस लेटर, रिक्वेस्ट फॉर प्रोविजनल एक्सेप्टेंस लेटर, ठीक है। तो मतलब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्रोविजनल एक्सेप्टेंस लेटर के लिए, ठीक है। प्रोविजनल एक्सेप्टेंस लेटर ये जो है ना आप लोगों ने ये सब्जेक्ट में लिख देना है। उसके बाद नीचे जो है ना आप लोगों का शो हो जाता है प्रोफेसर का जो भी मतलब है ईमेल वगैरह, मतलब प्रोफेसर का जो नाम है आप लोगों ने जो है ना उसको बताना है कि हेलो, मतलब जो भी उसका नाम होगा वो लिखना है। उसके बाद नीचे जो है ना ये आप लोग जो है ना देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसको ऐड कर दूँगा। ये अगर आप लोगों ने अपनी जो है ईमेल बॉडी बनाई हुई है वो जो है ना आप लोगों ने कॉपी पेस्ट करके जो है ना इसकी जो है ना मतलब बॉडी में लिख देनी है नीचे। तो उसकी जो है ना आप लोगों ने जो प्रोफेसर के प्रोफाइल की लिंक थी वो जो है ना आप लोगों ने बीच में भी डाल देनी है, ताकि उसके लिए जो है ना आप लोगों को जो प्रोफेसर मतलब अगर ओपन भी करता है कि इसने जो है ना कहाँ से
सर्च किया या जैसे भी है उसको पता चल जाए, क्योंकि मतलब मेरा जो आपका हमने नीचे बताना भी है ना कि आपका रिसर्च जो है ना हमारा मेरे रिसर्च के रिलेटेड जो ना मिलता है, मैं आप किस प्रोविजन में जो ना आना चाहता हूँ, ये सारी जो है ना इन्फॉर्मेशन आप लोगों की जो ना ईमेल की बॉडी में होगी। तो उसके बाद जो है ना आप लोगों ने मतलब रिगार्ड में अपना जो है ना नाम लिख देना है, उसके बाद जो है ना अपना ईमेल और अपना जो है ना नंबर लिख देना है। अब बारी आती है क्या हमारी डॉक्यूमेंट्स की, हम जो है ना डॉक्यूमेंट्स किस तरह से जो है ना ऐड कर सकते हैं, अलग अलग जो है ना अपने डॉक्यूमेंट ऐड कर दे सकते हैं, जैसा कि CV, रिज्यूम हो गई और स्टडी प्लान हो गया, और उसके बाद हमारी जो डिग्री बैचलर की डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट हो गई, ये तीन चार चीज़ें जो है ना हम अलग अलग से जो है ना इसको अटैच कर सकते हैं या एक ही फाइल जो बना के अटैच कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को जो है ना बताया हुआ है कि हम जो है ना इसको एक फाइल में ऐड करके तो इनको जो है ना हम अटैच कर देंगे और प्रोफेसर को सेंड कर देंगे। ईमेल की जो है ना ये फाइल किस तरह बनानी है, तो नेक्स्ट पिछली वीडियो में मैंने सारा कुछ बताया है कि मैंने जो है ना फाइल किस तरह से बनानी है, तो आप लोग जो है ना पिछली वीडियो देख सकते हैं तो आप लोगों को जो है ना फाइल बनाने का पता चल जाएगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं मैंने जो है ना फाइल को ऐड किया हुआ है, तो मैं दोबारा इसको जो है ना फाइल को ऐड कर सकते हैं। फाइल को ऐड कहाँ से करना है, ये ऑप्शन आपको नज़र आ जाएगा अटैच फाइल का, तो आप यहाँ से जब ऑप्शन के सिलेक्ट करें तो यहाँ के ऊपर जो आप लोगों ने सेव किया होगा डॉक्यूमेंट के नाम से, जिस नाम से भी जो है ना आपने फाइल को सेव किया था, तो उस फाइल को जो है ना आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये आपका जो है ना ईमेल एक्सेप्टेंस लेटर के लिए पूरा हो गया, तो उसके बाद जो है ना आप लोगों ने प्रोफेसर को सेंड कर देना है। एक ईमेल से ज़्यादा ईमेल जो है ना एक प्रोफेसर को नहीं करनी है, और ये भी ध्यान रखना है कि अगर हमने जो है ना एक डिपार्टमेंट में अप्लाई किया तो वही प्रोफेसर जो है ना दूसरे डिपार्टमेंट भी होते हैं, तो इसकी जो है ना आप लोगों ने मतलब तवज्जो करनी है कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में कर रहे हैं या किसी और डिपार्टमेंट में भी अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो दोनों में जो है ना उस प्रोफेसर को देखें, अगर वो उसमें है तो उसको जो है ना आप एक ही बार जो है ना ईमेल कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों के मतलब ईमेल जो है ना हमने किस तरह से सेंड करना है प्रोफेसर को एक्सेप्टेंस लेटर के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को जो है ना ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो जिस दोस्त ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जो भी लेटेस्ट CSE स्कॉलरशिप की वीडियोस मैं अपलोड करूंगा वो आप सब दोस्तों को जाना मिलती रहे वीडियो में, और देखेंगे कि हम जो है ना लॉगिन कैसे कर सकते हैं CSE स्कॉलरशिप की जो ना वेबसाइट के ऊपर लॉगिन किस तरह करेंगे। तो इस वीडियो इसके टॉपिक के ऊपर हम जो है ना नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, तो वीडियो को जो है ना मिस ना कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।